हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वैशाली विशाल ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये व्लॉग है रक्षाबंधन स्पेशल। मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने मेरे सारे काम निपटा के मैं भी हो रही हूँ रेडी। रेडी होने के बाद मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। मैंने सोचा कुछ मीठा बनाया जाए, तो अभी मैं सब तैयार वगैरह होकर मैं जाऊँगी गुलाब जामुन बनाने के लिए। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे फटाफट से रेडी होती हूँ। ये मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, पहले मॉइस्चराइज करती हूँ, टोनर मॉइस्चराइज देन सनस्क्रीन। और उसके बाद मैं आज हल्की सी बीबी क्रीम भी लगाने वाली हूँ। ये मम्मा की बीबी क्रीम है तो वो भी लगा रही हूँ आज, क्योंकि आज स्पेशल डे है। तो मैं सुबह से रेडी रहने वाली हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन तो 9 बजे के बाद है। लेकिन मैंने सोचा चलो आज फेस्टिवल है तो थोड़ा अच्छे से रेडी हुआ जाए, नहीं तो मैं वैसे ही काम पे लग जाती हूँ बिना रेडी हुए। चूँकि हूँ रेडी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये मैंने सब्जी डाल दी है और अब मैं गुलाब जामुन बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा लगता है अगर कुछ मीठा बनाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे फेस्टिवल है। तो अभी तो राखी नहीं बांधनी है तो सोचा मैंने कि चलो मैं अभी ये बना लेती हूँ, क्योंकि ये कुछ दोष है सुबह से जो 9 बजे तक ख़त्म होने वाला है दोष, तो 9 बजे के बाद ही हम राखी मैं बांध पाऊँगी। वैसे मेरे सगा कोई भाई नहीं है तो इस वजह से मैं फिर मेरे हस्बैंड के भाई है उन्हीं को मैं राखी बांधती हूँ, मतलब ससुराल में। मायके में है मतलब मेरे मामा के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं जिनको मैं राखी बांधती हूँ। और मेरे एक स्कूल फ्रेंड है योगेश, उनको भी मैं राखी बांधती हूँ हर साल। चाहे मैं बाकी किसी को बांधूँ ना बांधूँ, लेकिन हर साल उन्हें याद से मैं राखी बांधती हूँ। तो मैं मायके जाने वाली हूँ तब मैं उनको वहीं पर राखी बांधने वाली हूँ। अभी ये मैंने अच्छे से गुलाब जामुन का आटा अच्छे से कर लिया है सॉफ्ट। अब मैं इसको रेस्ट के लिए रखूँगी थोड़ी देर, क्योंकि तुरंत बनाने पर फिर वो अच्छे नहीं बनते। तब तक मैं रोटी वगैरह बेल लूँगी। सब्जी ऑलमोस्ट हो चुकी है तो मैंने धीमी आँच पे सब्जी रख दी है, अब मैं रोटी वगैरह बेलूँगी। विरंच भी खेल रहा है आज और उसके पापा भी घर पे नहीं है, वो भी गए हैं ऑफिस। मैंने सोचा चलो ये शाम के टाइम पे मैंने ये बनाकर तले, क्योंकि वीरांश को मुझे खाना खिलाना पिलाना, उसे नहलाना भी पड़ता है और आज रक्षाबंधन था तो उसे तैयार भी करना था। तो फिर इस वजह से मैंने फिर ये शाम को कर रही हूँ मैं। ये देख
घर में मैं तो ना वाला मेरे भैया देखो ना कितने बुढ़े बुढ़े हो गए फिर भी रक्षाबंधन मना रहे और ये 9 बज गए हैं और मैंने भगवान को पहले राखी बांध दी है। मेरे गणपति पापा को भी मैं राखी बांधती हूँ जब वो आते हैं। और ये रही मेरी प्लेट, मैं वीरांश के लिए मैंने ली है सिंगम वाली राखी। मेरे बाबू को भी राखी बांध रही हूँ मैं, क्योंकि हम दोनों बहनों में हमारे घर में ये एक ही लड़का है जो मुझे हुआ है, तो फिर मैं उसे भी राखी बांधती हूँ। उसको मैं फेवरेट लेकर आई थी सिंगम वाली। ये देखिए मेरा लिटिल सिंगम और ये मेरे देवर है, मैं उनको भी राखी बांधती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उनको राखी बांधती हूँ, 5 साल हो गए अभी। और ये हम आए थे अभी विजू भैया के यहाँ पर, उनको भी मैं राखी बांधती हूँ। ये संजना के लिए और नंदनी के लिए गिफ्ट लिया था मैंने वीरांश की तरफ से। ये रे विराज और विनांश, ये रे मेरी एक और फैमिली। वीडियो में काढ़ा था ना माझे पाशी रहन त्यांची वीडियो रेडे पार्टी मांगून संजय इथे पण बघा ज्योती दीदी एक दोन तीन तो कसा ये ती कसा ओरडत माझ्या सोबत उभं राहतो का तू बघू चेन्नी ना असंच आहे असंच आहे आमच्या घरी पण नाही बे आपण दोन का एक दोन तीन मन 1 2 3 गणपती बाप्पा रटने खेळत सगळे ब्ल्यू झाले ते तुम्ही पण ब्ल्यूचा शेड घातलाय नंदनी पण मामा पण त्याला पण आलू नको ना भाऊ मला तू संजनाचं झालंय बाकी